है कौन जीतेगा? हमारा तो जीतेगा मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ, मेरा बाप जीतेगा। मोदी जी जीतेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग को भी फायदा होगा, बाहर निकलेंगे, कोई काम मिलेगा, कुछ अच्छा सा। वो ऐसा काम नहीं मिल पाता है लेडीज लोग को। अब हम लोग को तो सबसे पहले एजुकेशन देखना है। हम लोग अगर कितना भी परसेंटेज ले तो हम लोग का कोई महत्व नहीं, ना कोई हम लोग को स्कॉलरशिप मिलता है उसके तरफ से, जेएमएम की तरफ से कुछ नहीं। बीजेपी बनाएंगी, मोदी जी बनाएंगे, और वो बनाएंगे तो हिंदू का मत ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरा सरकार बना तो ये रांची पूरा ख़त्म हो जाएगा। जोहार झारखंड। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि झारखंड की जो महिलाएं हैं वो किसका सपोर्ट कर रही है। 5 साल से यहाँ पर जेएमएम की सरकार है, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब सवाल है कि 2024 में किसकी नई सरकार बनती है। ये जानने के लिए ग्राउंड लेवल पे क्या मुद्दे हैं, क्या महिलाएं चाहती हैं, वो जानने के लिए हम आए। तो यहाँ पे मेरे पीछे बहुत सारी जो महिलाएं हैं, पूरे झारखंड से गाँव भर के महिलाएं यहाँ पर आई हैं, उनसे उनके मुद्दे जानेंगे। कहाँ से आए हो आप? बूटी बस्ती। बूटी बस्ती से आए हो? हाँ। और चुनाव आने वाले ना? अच्छा, तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा? हमारा तो जीतेगा मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ, मेरा बाप जीतेगा, वो भी जीतेगा। तो मोदी आपके बाप हैं? नहीं, नेता हैं। नहीं, मकुल हमको घर उर अभी बना दिया है, घर वाला बनाया है, तो अभी पैसा नहीं आया है कुछ। किसका पैसा नहीं आया? घर वाला बोला था ना कि पैसा नहीं आया है कह के। कौन बोला था? मेरा घर वाला। इसका पापा ही मेरा बेटी है, उला जा रही उधर बोल रही। तो कौन पैसा देने वाला था? नहीं, घर बना रहे हैं, बन गया है, ऊपर में अभी खाली है, तो ऊपर में बनाना है ना अभी। अच्छा, इसलिए मोदी सरकार चाहिए? हाँ, तो नहीं ये तो ये है, सबका अथी करता है, घर दूरा बनाता है, बनाया है, और कुछ करवे करेगा गरीब के लिए। चलिए, मतलब विश्वास है आपको मोदी जी पे। क्या लगता है, 5 साल से यहाँ पे जेएमएम की सरकार थी, कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ, थोड़ा भी फायदा नहीं हुआ? नहीं लगता हमको, ऐसे भी मेरा घर भी नहीं मिला है। लगता है कि मोदी सरकार जीत पाया तो हो सके मिलेगा, भरोसा लगता है। ठीक है, यहाँ पे और भी महिलाएं बैठी है, उनसे बात करेंगे। आप बताइए मुझे कि 5 साल से यहाँ पे बीजेपी जेएमएम की सरकार है, अभी 2024 में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? बीजेपी बनाएगी, मोदी जी बनाएंगे, और वो बनाएंगे तो हिंदू का मत ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरा सरकार बना तो ये रांची पूरा ख़त्म हो जाएगा, हमको लगता है ऐसा। क्या परेशानी हुई पिछले 5 सालों में झारखंड में महिलाओं को? अब वो तो हमको पूरा महिलाओं के बारे में पूरा हमको नहीं पता है। आप अपने बारे में बताइए। हम लोग तो घर में ही रहते हैं, बाहर तो निकलते नहीं हैं, तो बाहर का बात सब उतना नहीं पता है, लेकिन हम लोग को लगता है कि बीजेपी जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग को भी फायदा होगा, बाहर निकलेंगे, कोई काम मिलेगा, कुछ अच्छा सा। वो ऐसा काम नहीं मिल पाता है लेडीज लोग को। सेफ्टी की अगर हम बात करें, महिलाओं की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या लगता है बीजेपी में ज़्यादा महिलाएं सेफ थी इससे पहले वाली सरकार में, या फिर अभी जो 5 साल में जेएमएम की सरकार है? नहीं, बीजेपी में सेफ थी ना, अभी नहीं है, बीजेपी में सेफ थी, और उसी में सेफ भी रहेगी। और जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना ही मत चाहते रहते हैं, लेकिन हम लोग को तो अपना हिंदू का ना मत बनाना है, तो वो चीज़ जो मोदी जी करते हैं वो हम लोग के एक मतलब कि मानिए कि हम लोग को आगे बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, और वो जो भी बोलते हैं तो हम लोग को उनके बात पर विश्वास लगता है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आपकी क्या राय है? सही बोल रही है मैं। सही बोल रही? एकदम सही। चूल्हा वगैरह खर्चा, पानी, महंगाई, ये सभी तो मुद्दे हैं, गृहिणियों के मुद्दे हैं ये सारे। तो मैम कम हुए ना उसमें, मोदी जी कम करवाए ना गैस सिलेंडर में। तो अभी क्या लग रहा है, अभी आएंगे तो चुनाव के टाइम में तो हर कोई सब कुछ कम करा देता है, उसके बाद? मैम पहले का हुआ है, चुनाव से पहले हुआ है ना ये। तो आगे आने वाले समय में और फायदा होगा? और फायदा होगा। क्या लग रहा है अभी, अगर मान लीजिए कि मैं सोच लीजिए कि बीजेपी चुनाव जीत गई है, 2024 विधानसभा चुनाव झारखंड का, किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? हाँ, सीपी सिंह। हाँ, सीपी सिंह। सीपी सिंह आपके जो विधायक है वही? हाँ, वही बनेंगे। चलिए, सीपी सिंह का एक नाम है जो कि मैं सुन रही हूँ, आगे महिलाएं चाहती हैं उनसे, और भी यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके? सबसे पहले तो भाजपा में आए मोदी जी, अब मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ा दिए, सारे देश में योगा आ गया,
और देश में बहुत शांति है। अगर नरेंद्र मोदी गए और दूसरी पार्टी सरकार आती है तब समझिए कि भारत नीचे चला जाएगा। हम मोदी जी आए हैं तो शीर्ष पर बिंदु पर। आज सारे देश बोलते हैं, विदेश वाले लोग बोलते हैं, मोदी है तो भारत है। तो इस सुन करके ये गर्व होता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को दे रहे हैं कि देश को और आगे बढ़ाएं मोदी जी। क्या ये चाची सही बोल रही हैं? सही बोल रही हैं, हम इनके बात से सहमत हैं। महिलाएं जो हैं वो पूर्ण बहुमत से अगर बोला जाए तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार बना ही देंगी। मैम आप भी यंग जनरेशन से सबसे पहले तो बात करते हैं, जो भारत के कल हैं उनसे बात करेंगे, तो आप वोट देती हैं? हाँ। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में बीजेपी जाए? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन लेवल इतना लो है कि बता नहीं सकते। मतलब हम लोग जनरल वाले लोग को तो एकदम पूछा ही नहीं जाता है यहाँ पे। और राशन कार्ड आ गया बाद तो ग्रीन कार्ड वाले लोग को एकदम वोट नहीं मिलता थोड़ा सा। मतलब ग्रीन कार्ड में हम लोग को कुछ राशन ही नहीं मिलता है, लेट पे कभी 2 मंथ कभी 3 मंथ ऐसे डिलेट। अब हम लोग को तो सबसे मेन एजुकेशन देखना है। हम लोग अगर कितना भी परसेंटेज ले आए तो हम लोग का कोई महत्व नहीं, ना कोई हम लोग को स्कॉलरशिप मिलता है उसके तरफ से, JMM के तरफ से कुछ नहीं। तो क्या आप चाहती हैं कि अगर यहाँ पे परिवर्तन हो सरकार में तो क्या चीज़ें शिक्षा में बदली? एजुकेशन। क्या चाहती है, क्या रिफॉर्म्स चाहती है? हम लोग को स्कॉलरशिप चाहिए। हम लोग को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता यहाँ से कुछ नहीं। मतलब मेरी जितनी फ्रेंड है अदर कास्ट की, हम लोग जनरल की तरफ से आते हैं, जनरल वालों को तो कोई पूछ ही नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग भी तो मतलब ये मिडिल क्लास से ही है, वो कोई नहीं देखता। तो एक जो मुद्दा है युवाओं का, उसको इन्होंने बहुत ही सामने एकदम अच्छे तरीके से रखा है, वो है जनरल्स को स्कॉलरशिप मिलने का मुद्दा। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था जो है वो भी पूरी तरीके से चरमराई उठी है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं झारखंड की, वो चाहती हैं कि झारखंड में इस बार परिवर्तन हो, बीजेपी की सरकार आए, बहुमत से आए और जो विकास की गाड़ी है झारखंड में वो भी आगे बढ़े। हालांकि 23 तारीख को जो है नतीजे आएंगे, जो भी नतीजे होंगे वो ABP लाइव के ऑडियंस को सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ABP लाइव को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।